ये देखो जी, आज डोर फ्रेम्स लग गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक छू, खुश पर छू, दिस इज रद्रीश नीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि घर के काम में जो है बहुत ज्यादा बिजी था, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसा कि इससे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारी मछलियां जो है बहुत ही मजे से तैर रही और पानी जो है बिल्कुल साफ हो गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि इनको साफ कैसे रखा जाए, इनके हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जाए या इनको ठीक से कैसे रखना है। थैंक यू सो मच उस सब के लिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किए थे और जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट्स किए थे कि कैसे क्या करना है। तो मैंने कुछ चीजें जो है अमेजोन से ऑर्डर कर ली इनके लिए, और इनके लिए एक्वेरियम भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एक्वेरियम लगेगा और काम जो है वो कहाँ पहुंचा है। ये देखो जी, ये यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन, मेन टाउन आप समझो, पूरा दिखता है। अभी जब ये ऊपर चढ़ेगा फ्लोर तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो जी, ये इतना सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, बस इंशाल्लाह और अच्छा होगा। और मौसम इस टाइम बहुत ठंडा है। अच्छा जी, अब एक्वेरियम की बारी। एक्वेरियम जो है बाहर से इस जगह पे लगेगा, ये इतना बड़ा एक्वेरियम यहाँ पे लगेगा, वो रूम और इस रूम के बाहर यहाँ पे एक्वेरियम लगेगा, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। और लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया था मस्जिद का, मस्जिद के बारे में एक कमेंट किया था, तो एक किसी हमारे भाई ने जो है कमेंट किया था कि आपकी आपके आसपास जो मकान है वो सारे बहुत ज़्यादा नए हैं, फ्रेश बनाए हैं, लेकिन मस्जिद जो है वो, मस्जिद शरीफ जो है वो कुछ पुरानी लग रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मस्जिद शरीफ अंदर से बहुत ज़्यादा नई है, इस पर काम जो है रेगुलरली चलता रहता है। ये बाहर से जो है अभी इसका भी इंशाल्लाह काम जो है वो लगना है जल्दी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अंदर से मस्जिद शरीफ बिल्कुल अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अभी बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है, आज दिन में 2-3 बार बारिश जो है शुरू हुई और वो ने इसका ज़बरदस्त इलाज निकाला है। जो सीढ़ियों से बारिश आती है तो इसको रोकने के लिए छत बना दिया। अभी एक्वेरियम मुझे छोटा लगता है, इनके हिसाब से एक्वेरियम बहुत छोटा है क्योंकि मछली को तैरने का भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना, तो उतने फ्री लिए तैर नहीं पाते इसमें। और बॉटम देखो कितना डेकोरेट किया मैंने इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इनको सीपियाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये रेत के साथ आई थी तो मैंने इसमें लगा दी 2 के। और इसमें दोनों फिल्टर भी लगा के है और एयर पम्प भी लगा के है, अभी 1-2 फिल्टर और आने वाले हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जी काम स्टार्ट हो गया है, मॉर्निंग में फिर से बारिश आज रुक गई है और अच्छी खासी धूप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने काम वाले कपड़े जो है वापस पहन लिए हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये कपड़े पहनने पड़ते हैं और फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो मछलियों को खाना दे दिया है तो इनको फिल्टर बंद करना पड़ता है या जो ईयर पम्प पे बंद करना पड़ता है, तो ये आप देखो ये है इनका खाना, बस ये अभी 2 मिनट में सारा इसको फिनिश कर देंगे, कम डालना पड़ता है। आज दिन का काम जो है वो खत्म हो गया है और मैं भी फ्रेश वापस हो गया हूँ। अब मेरी भी छुट्टी हो चुकी है कल तक की, अभी लेकिन हमें जाना पड़ेगा विंडो फ्रेम्स लाने के लिए जो फिर लगाए जाते हैं, तो वो अभी अबू के साथ जाना पड़ेगा। वहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, अभी बारिश रुकेगी, बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फ्रेम्स लाते हैं और फिर कल से जो फिर काम जो शुरू होगा। ये तो अभी चलता रहेगा कम से कम 10-12 दिन, तो अभी यही काम चलता रहेगा, मतलब चलता रहेगा। इंशाल्लाह इस बीच जो है हम थोड़ा कैंपिंग करने के लिए भी चले जाएंगे, बीच में अगर गैप थोड़ी सी मिल गई तो इंशाल्लाह, पहले थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं और अभी हमने वुड फ्रेम्स लाए हैं अबू ने और मैंने, और अभी हम जो है इसमें ब्लैक जापान कर रहे हैं, मतलब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक जापान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कल पूरा वो ब्लैक जापान करने के बाद जो वो ब्लैक किया था उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और डायरेक्टली सो गया था खाना खाने के बाद। तो अभी सुबह सुबह एक दोस्त आए थे मेरे, आदिल भाई यदिपोरा से, उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है। ये कुरान है जो वो मक्का शरीफ से लाए हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छी है। फिलहाल हमारी मछलियाँ यहाँ पे बेचारी तैर रही हैं, हमारी एंजल फिश जो है ना वहाँ पे वो ज़्यादा अकेली ही रहती है और थोड़ा वो ब्लैक वाली इसके साथ रहती है। गोल्डन फिशेस तो ये तो आपस में साथ में ही रहती हैं, खेलती हैं, ये ऊपर कूदती हैं पानी के ऊपर। तो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ विंडोज, अभी डोर्स लगे हैं, डोर फ्रेम्स लगे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो जी आज डोर फ्रेम्स लग गए हैं, अब कल इंशाल्लाह लगने हैं विंडो फ्रेम्स भी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज मौसम भी ठीक है, धूप अच्छी है।